हाँ जी आलू साढ़े बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके, असं ज़्यादा ब्राउन नहीं करने क्योंकि असं जिस टाइम सब्जी बनानी है तो उस भी इन्हों पकना है। कि अच्छी लुक आ रही है इन्हों से निकाल लेंगे। हम असी इस पावे बैंगन, इन्हों भी असं थोड़ी देर फ्राई कर देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी दीदी की बना रहे हैं अज अज असी बना रहे हैं आलू बैंगन। आलू बैंगन हर कोई बनाता पर असी एक अलग तरीके बना रहे हैं। नमस्कार वेलकम साडा मेरे मॉडर्न किचन ब्लॉक दे विच। अज असी बना रहे हैं आलू बैंगन ते उहदे वास्ते असी सब्जी कट ली। ये हैगा लसन अदरक ते हरी मिर्च, यह है प्याज, यह है बैंगन, यह असी आलू कट चुके हैं उसके नाल ही बैंगन कटते जाएंगे ताकि काले ना पैन। ठीक है तो कढ़ाई असी गर्म रख चुके हैं तो हूँ असं पावे तेल। हाँ जी बैंगन साढ़े फ्राई हो चुके हैं, असी इस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि साड़ी सब्जी के नाल भी पकने। यह देखो जी किड्डे अच्छे साढ़े आलू बैंगन फ्राई हो चुके। हूँ इसे कढ़ाई के थोड़ा तेल निकाल अच्छा जी लो हूँ असं ये पावे लसन अदरक और हरी मिर्च। इस पहले असं थोड़ी देर पकावे इसका कच्चापन दूर करना फिर असी पावांगे प्याज। हाँ जी लसन अदरक हरी मिर्च साड़ी पक चुकी, हूँ असी ये पावांगे जीरा क्योंकि पहले नाल पकाते अगर तो जीरा पहले पाने दे नाल उन्हें जल जाना सी तो उसकी कड़वाहट आ जानी सी इस करके असी पहले नहीं पाया क्योंकि असी अदरक लसन पकाना सीगा। हूँ असी ये पावांगे चॉप किया हुआ प्याज। हाँ जी देखो जी साढ़े प्याज जो है कि अच्छी तरह पक चुके हैं, बस इन्ने करने असी ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। हूँ असी इस पावे थोड़ा जहा बेसन, बेसन थोड़ा जहा बस इन्ना पावे क्योंकि असी थोड़ी जी ग्रेवी रखनी है। इन्हों खाना असी जीरा राइस के नाल तो इस करके ग्रेवी थोड़ी जी थिक होनी चाहिए है तो तादी का टेस्ट आएगा। बेसन उसे अच्छी तरह पका लेना।
बेसन साडा पक गया, हुण असीं पावांगे इहदे विच टमाटर। इस टाइम हूँ असं ये पावे नमक, नमक पावे स्वाद अनुसार। नमक इस करके पाया कि जल्दी साढ़े जो टमाटर पक जाए, तो बाकी मसाले असं पावे बाद। नाल ही इस विच पावांगे विच हिंग। देखो जी मसाला साडा पक रहा, बट असीं इसनूं होर पकावांगे पानी पा के, थोड़ा थोड़ा जिहा पानी पावांगे। हूँ असं ये पावे मसाले, हल्दी, देगी मिर्च, थोड़ा जहा पावे गरम मसाला, धनिया पाउडर, नाल ही असं पा पाएंगे थोड़ा जहा जीरा पाउडर। थोड़ा जहा पानी इस विच असी होर पावांगे, तो इसमें थोड़ा जिहा देर ढक के पकावांगे। पहले इसे मिक्स कर दिए। मीडियम हीट तक पकावांगे, ज़्यादा तेज आँच नहीं करांगे। लो जी असी उसनूं ढकता। हाँ जी हुण असी अपना ग्रेवी चेक करते हैं। देखो वाओ कितना अच्छा रोगन आया, कितनी अच्छी तरह पक गया। बहुत अच्छी तकर पक चुका, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जम्मी जम्मी। हुण असीं इहदे विच पावांगे आलू बैंगन जो असीं फ्राई किए थे, उस इहदे विच पा देवांगे। हुण असीं इसनूं करांगे मिक्स। वैसे तुसीं इस तरह भी खा सकदे हो, बट असीं खाने आ बच्चों ने जीरा राइस के नाल, इस करके थोड़ी जी ग्रेवी बनावांगे। राइस के नाल थोड़े रस मिसे जिन्हों कहने आपां पंजाबी दे विच, थोड़ी जी ग्रेवी बन जाएगी, तो उस नाल इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हुण असीं इसनूं कुछ देर ढक के पकावांगे। हाँ जी हुण करदे हां असीं अपनी सब्जी चेक।
देखो जी कितनी अच्छी लुक आई है। हूँ असं पावे धनिया धनिया पा के कोई भी सब्जी उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। हम साड़ी आलू बैंगन की सब्जी जो बन के तैयार है तो असी करते हैं जीरा राइस की तैयारी। आज हम असी बना रहे हैं जीरा राइस। पहले असी पावांगे ऑयल, पैन साड़ा गर्म हो चुका, पावांगे जीरा, जीरा साड़ा क्रैकल हो चुका। हम असी पावांगे स्वाद अनुसार नमक, नाल ही पा देवांगे असी पानी। हुण पावांगे असी चावल। चावल असी धो के अद्धा घंटा भिगो ले, जिन्ने साढ़े चावल से उन्ना ही असी पानी पाता। असी इसका नमक चेक कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है जी। हम इसमें असी ढक्कन लगा के एक विसल तक पका लेंगे। ढक्कन लगाता, एक विसल आती है तो फिर इसमें बंद करेंगे।